गाइज, 2 दिन पहले मैं नॉइस 3 का वीडियो लेके आया था और उसमें मैंने आपको बोला था कि एक कंपैरिजन वीडियो करूंगा नॉइस 2 वर्सेस नॉइस 3 का। तो आज मैं वो वीडियो आपके लिए लेके आया हूँ। इफ़ यू आर अ पर्सन जो कन्फ्यूज्ड है इन दोनों के बीच में से कौन सा ले, बिकॉज आई नो दोनों ही प्रोडक्ट बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है, दोनों का डिज़ाइन बहुत अच्छा है, दोनों का साउंड क्वालिटी बहुत अच्छा है, एंड ओवरऑल दोनों बहुत ही सॉलिड प्रोडक्ट है मार्केट में विद अ वेरी कम्पिटिटिव प्राइस। तो ऑब्वियसली बहुत लोग कन्फ्यूज हो सकते हैं कि इन दोनों के बीच में से कौन सा ले, तो ये वाला वीडियो आप एंड तक देखो ताकि आपको एक आइडिया लग जाए कि कौन सा खरीदना चाहिए। एंड अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो यार। और आज के दोनों प्रोडक्ट्स से सबसे पहले हम मिल लेते हैं। तो आज मेरे पास में है नॉइस 3 एंड नॉइस 2। दोनों ही प्रोडक्ट को मैं इंडिविजुअली कवर कर चुका हूँ, इन डेप्थ रिव्यू बना चुका हूँ, तो आपने अगर वो नहीं देखा है तो जाके वो देख लो और उसके बाद आप ये कंपैरिजन वीडियो देख लेना। सो गाइस, सबसे पहले मैं आपको इन दोनों के बीच में कुछ डिफरेंसेस और कुछ सिमिलैरिटीज बता देता हूँ। दोनों में ही आपको IPX5 का वाटर रेजिस्टेंस मिल जाएगा, आपको 40 mm के ड्राइवर्स दोनों में मिल रहे हैं, साथ में आपको हाइपर सिंक मिल रहे हैं, एंड आपको डुअल पेयरिंग भी दोनों में सपोर्ट मिल जाएगा, एंड आपको दोनों में ही SD कार्ड स्लॉट दिया हुआ है, तो आप अपना SD कार्ड आराम से लगा के सॉन्ग्स वगैरह सुन सकते हो। ये तो थे कुछ क्विक सिमिलैरिटीज। अभी डिफरेंसेस की बात करें तो आपको नॉइस 3 में मिलने वाला है 70 hours का प्लेबैक टाइम, एंड ऑन द अदर हैंड नॉइस 2 में आपको मिल जाएगा 50 hours का प्लेबैक टाइम। ऑल्सो नॉइस 2 में आपको मिल जाएगा 4 different प्ले मोड्स, एंड नॉइस 3 में आपको बस एक गेमिंग मोड अलग से दिया हुआ है। जैसे कि आप देख सकते हो डिफरेंसेस उतने ज़्यादा नहीं है। अगर मेजर डिफरेंसेस की बात करें, अगर बात करें कि किस तरीके के स्पेक्स आपको दोनों प्रोडक्ट में मिल रहे हैं, तो दोनों की ही स्पेसिफिकेशंस ऑलमोस्ट सिमिलर हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो दोनों के बीच में जो मेजर डिफरेंस है वो बस डिज़ाइन का है। आप नॉइस 2 ले लो तो नॉइस 2 में आपको एक काफ़ी स्लीक डिज़ाइन मिल जाएगा, मैट फिनिश में पूरा आपको ये मिल जाएगा, और साथ में ये बहुत ही ज़्यादा मेरे को पर्सनली सॉलिड एक डिज़ाइन लगा मेरे को एक हेडफोन का। वहीं ऑन द अदर हैंड नॉइस 3 थोड़े से साइज में भी बड़े हो जाते हैं और इसके जो ईयर कप्स हैं वो भी थोड़े ज़्यादा एडजस्टेबल हो जाते हैं, ये भी फोल्ड हो जाते हैं, लेकिन पर्सनली मेरे को वो वाले का डिज़ाइन थोड़ा ज़्यादा बेटर लगा। और अगर बिल्ड के बारे में बोलूँ तो दोनों का ही बिल्ड क्वालिटी काफ़ी सॉलिड है, दोनों काफ़ी अच्छे प्लास्टिक मटेरियल से बने हुए हैं, लेकिन कंपेरिजन है तो मैं एक विनर ऑब्वियसली हर एक कैटेगरी में दूंगा, लेकिन बिल्ड के क्वालिटी में आई वुड हैव टू गो विद नॉइस 2। इसका बिल्ड मेरे को ज़्यादा स्टर्डी लगा, ज़्यादा सॉलिड लगा, कहीं ऐसे लूज हिंजेस नहीं है जैसे कि यहाँ पे अभी प्रॉबेबली ये यहाँ से निकल सकते हैं, ये टूट सकते हैं। सो ऐसा कोई भी प्रॉब्लम आपको नॉइस 2 में नहीं है, ये काफ़ी एक सॉलिड बिल्ड के साथ में आपको आते हैं। अब हम बात करेंगे यार कि साउंड क्वालिटी दोनों ही प्रोडक्ट में कैसे है, क्योंकि ये एक सक्सेसर प्रोडक्ट है, वी एक्सपेक्ट अ बेटर साउंड क्वालिटी ऑब्वियसली, बिकॉज एक तरीके से थोड़ा थोड़ा इन्होंने इम्प्रूव करा हुआ है नॉइस 2 को बेस लेके, लेकिन साउंड पे कितना वर्क कर रहा है वो मैं आपको ज़रा बता दूँ और एक म्यूज़िक टेस्ट भी करके दिखा दूंगा। तो साउंड क्वालिटी में मैंने जब टेस्टिंग करा था तो म्यूज़िक में एक बहुत बड़ा मेरे पास कंप्लेन है नॉइस 3 के लिए, इसका बेस बहुत ज़्यादा ओवरपावरिंग है। अगर आप गेमिंग खेलो, अगर आप मल्टीमीडिया कंज्यूम करो, इसका बस आपको बेस बहुत ज़्यादा सुनाई देने वाले, और बाकी के जितने भी पीछे अलग अलग एनवायरमेंटल नॉइसेज हैं या फिर अगर आप म्यूज़िक सुन रहे हो तो आपका ट्रेबल वगैरह वोकल्स वगैरह सब थोड़े से दब जाते हैं, तो ये चीज़ आप ज़रूर नोटिस करना नॉइस 3 खरीदने से पहले। वहीं ऑन द अदर हैंड मेरे को कंपेरेटिवली एक ओवरऑल वेल बैलेंस साउंड लगा नॉइस 2 का, एंड इसमें जो बेस है वो उतना ज़्यादा ओवर पावरिंग नहीं लगा, कहीं ऐसा नहीं लगा कि यार बेस बहुत ज़्यादा हो गया है, मेरे को बाकी कुछ सुनाई नहीं दे रहे, सब चीज़ें एक बहुत अच्छे से ये प्रोडक्ट मैनेज करते हैं। आपके लिए मैं एक छोटा सा साउंड टेस्ट भी कर देता हूँ, म्यूज़िक टेस्ट कर देता हूँ, ताकि आपको आइडिया लग जाए कि कैसा आपको साउंड क्वालिटी मिलने वाला है दोनों प्रोडक्ट में। अभी आप म्यूज़िक वगैरह सुनोगे, मल्टीमीडिया कंज्यूम करोगे, तो ऑब्वियसली एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर आता है कि कितना लंबा चलने वाला है कोई प्रोडक्ट, एंड बैटरी बैकअप के मामले में नो कंप्लेंट्स, नॉइस 3 ऑब्वियसली विंस। इसमें आपको 70 आवर्स का प्लेबैक टाइम मिल जाएगा, विच इज़ 20 आवर्स मोर देन नॉइस 2। इसमें बस आपको 50 आवर्स का प्लेबैक टाइम मिल रहा है, एंड दोनों का बैटरी जो कैपेसिटी है जिससे किसी चार्ज में वो चलते हैं दोनों ही ऑलमोस्ट सिमिलर चलते हैं, लेकिन ऑब्वियसली 70 आवर्स प्लेबैक टाइम तो आपका, अगर आप एक बार नॉइस 3 चार्ज करोगे तो 3-4 दिन आराम से ये खींच लेते, लेकिन ऑन द अदर हैंड वहीं पे नॉइस 2 आपको 2-3 दिन आराम से निकाल के देते। अगर आपके लिए चार्जिंग कोई इतना बड़ा इशू नहीं है तो आप नॉइस 2 को भी कंसिडर कर सकते हो, लेकिन आपको लंबा चार्जिंग टाइम चाहिए तो आप नॉइस 3 के साथ जा सकते हो।
एंड दोनों में सी टाइप चार्जिंग केबल मिल रही है, तो चार्जिंग की कोई भी टेंशन नहीं है, आप आराम से चार्ज कर सकते हो। अब हम बात करेंगे कि यार देखो दोनों ही प्रोडक्ट्स में माइक कैसा मिल रहा है, क्योंकि ना कॉल्स वगैरह लेना और जैसे कुछ स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए ऑनलाइन क्लासेस वगैरह अटेंड करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अभी ना ये एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है हेडफोन्स में, बिकॉज यूजुअली काफ़ी हेडफोन्स में माइक की क्वालिटी ख़राब होती है एंड अंडर 1000, 1500, 2000 इसमें लोग हमेशा ढूंढते हैं अच्छा माइक क्वालिटी। एंड मैं आपको बता दूं दोनों ही प्रोडक्ट में आपको एक काफ़ी डिसेंट माइक क्वालिटी मिल रही है। इफ़ यू आर अ पर्सन जो कि ऑफिस में बैठ के कॉल्स अटेंड करते हैं या गेम्स खेलते हैं या फिर आपको अपनी ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करनी है, सारी चीज़ें ये बहुत अच्छे से आपको मैनेज करके देगा ए टू जेड। आपको भी एक आइडिया लग जाए किस तरीके से आपको और सामने वाले रिसीवर को आवाज़ आने जाने वाली है, उसके लिए मैं आपके लिए एक कॉल टेस्ट कर देता हूँ। तो उम्मीद है कि मेरी आवाज़ बहुत क्लियर आ रही होगी तुम्हें। जी अच्छा, कोई डिस्टॉर्शन किसी तरह का नॉइस कोई ऐसा कुछ वॉइस में? नहीं किसी तरीके का भी नॉइस नहीं ना डिस्टॉर्शन, बहुत क्लियर आवाज आ रहा है। ठीक आ रहा है। किसी तरह का बैकग्राउंड नॉइस? बैकग्राउंड नॉइस हल्का हल्का आ रहा था, आ रहा जा रहा, मतलब बहुत कम बैकग्राउंड नॉइस आ रहा है। बहुत कम बैकग्राउंड नॉइस आ रहा है। तो ये तो हो गया हमारा म्यूजिक टेस्ट हो गया, कॉल टेस्ट हो गया। अब एक चीज इम्पोर्टेंट बचा है कि यार गेमिंग करते टाइम में क्या एक्सपीरियंस रहने वाला है। दोनों ही प्रोडक्ट बोल रहे हैं 45 ms जितना लो लेटेंसी आपको देंगे। अभी 45 ms इज वेरी लो, आप गेमिंग वगैरह करोगे, BGMI वगैरह खेलोगे या कोई सा भी फोन पे कॉम्पिटिटिव गेम वगैरह खेलोगे तो बहुत अच्छे से चलने वाले। 45 ms इज वेरी वेरी लो। सो आपके लिए ना एक गेमिंग टेस्ट भी मैं कर देता हूँ ताकि आपको भी एक थोड़ा बहुत आइडिया लग जाए कि किस तरीके से एक एक्सपीरियंस आपको मिलेगा इन दोनों प्रोडक्ट्स में गेमिंग करते टाइम में। सो गाइस ये तो था मेरा एक ओवरऑल कंपैरिजन बिटवीन नॉइस 2 वर्सेस नॉइस 3 एंड आफ्टर ऑल द टेस्टिंग कंपेयरिंग क्या कंक्लूजन क्या है, कौन इन दोनों के बीच में अच्छा है। सबसे पहले ना आप इन दोनों का प्राइस सुनो। अभी नॉइस 3 आपको मार्केट में मिल जाएगा और नॉइस 2 आपको मार्केट में मिल जाएगा। सो प्राइसेस भी ऑलमोस्ट सिमिलर है, मैंने कंपैरिजन भी कर दिया, तो मेरा क्या ओपिनियन है कौन सा खरीदना चाहिए। सो आफ्टर ऑल द टेस्टिंग और जो भी मैंने देखा इन दोनों के बीच में म्यूजिक टेस्ट कॉल टेस्ट वगैरह करके, आई हैव रियलाइज कि एक ओवरऑल वेल बैलेंस्ड प्रोडक्ट जो आपको मिलेगा वो यहाँ पे नॉइस 2 मिलेगा। आई अंडरस्टैंड काफ़ी लोग बोलेंगे कि नॉइस 3 एक ओवरऑल इम्प्रूवमेंट लेके आया प्रोडक्ट पे या कुछ ऐसा, बट इन माई पर्सनल ओपिनियन आई डोंट नो, मुझे नॉइस 2 ज़्यादा अच्छा लगा यूज़ करने में। एक काफ़ी अच्छा डिज़ाइन के साथ में आपको एक वेल बैलेंस साउंड क्वालिटी मिल जाता है, अच्छा गेमिंग एक्सपीरियंस मिल जाता है, काफ़ी डिसेंट चार्जिंग टाइम मिल जाता है। अगर मेरे को ख़रीदना होगा इन दोनों के बीच में तो आई वुड डेफिनेटली गो फॉर नॉइस 2। आई होप गाइज आपको ये कंपैरिजन वीडियो पसंद आया हो, आई होप आपका कंफ्यूजन भी दूर हो गया हो कि कौन सा खरीदना चाहिए इन दोनों के बीच में, कौन सा नहीं खरीदना चाहिए। अगर आप फिर भी कंफ्यूज हो तो कमेंट सेक्शन में आओ, कमेंट्स करो, मैं वहाँ पे आपको रिप्लाई करूँगा एंड आई एम गोइंग टू क्लियर ऑल योर कंफ्यूजन्स। आई नो यू गाइज हैव नॉट सब्सक्राइब टू द चैनल येट, प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल एंड आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। बाय।